तो आरक्षण को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये पूरी जो लड़ाई है ये सड़क से सदन तक भी जा पहुंची, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर जो रार है, जो तकरार है वो बरकरार है। इसके इतर इन सब के बीच सीएम भूपेश बघेल का एक शायराना अंदाज सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया, साथ ही साथ राज्यपाल राजभवन को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसका जो पलटवार सामने आया बीजेपी की तरफ से वो भी शायराना अंदाज में ही सामने आया है। अगर ये तुम्हारी चुनौती है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर धिक्कार है। सनद रहे, भले संस्थान तुम्हारा हथियार है, लड़कर जीतेंगे, वो भीख नहीं अधिकार है। फिर भी एक निवेदन स्वीकार करो, कायरों की तरह ना छुपकर वार करो, राज्यपाल पद की गरिमा को ना तुम तार तार करो। जी हाँ, कुछ इसी अंदाज में सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला, साथ ही उन्होंने राजभवन को भी निशाने पर लिया। अब भला भाजपा कैसे चुप बैठ जाए। उसने भी कुछ इसी अंदाज में पलटवार किया। भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने मोर्चा संभाला, तेरे झूठ को उजागर करना चुनौती है तो हमें स्वीकार है, जनता को मूर्ख समझने की तेरी अदा पर धिक्कार है। सनद रहे, भले सत्ता की ताकत तुम्हारे हथियार है, किंतु लड़कर जीतेंगे, जनता संग भाजपा खड़ी हर बार है। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी घमासान में नेताओं की तल्खी से साफ जाहिर है कि लड़ाई यही नहीं थमेगी। चुनावी साल में आरक्षण का मुद्दा सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का हल किस रूप में सामने आता है। गौरव शर्मा, INews 24/7, रायपुर।